Dear students, welcome in maths lesson. In previous lesson, we have discussed about integers. Integer क्या होते हैं? Integer वो numbers होती हैं जो number line के ऊपर show कर सकते हैं. उनमें positive और negative दोनों प्रकार की digits आती हैं. 0, 1, 2, 3, 4, positive side. And this is negative side. और mid में इनके 0 होता है. मैं ले रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है कि आप पेयर बनाएं. पेयर का मतलब टू इंटीजर्स. इसमें से कोई भी दो इंटीजर चूज करने, लेकिन आपको एक कंडीशन दे रखी है कि उनका सम, फर्स्ट का फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की, सम इज -7. आपको कंडीशन ये है कि आप इंटीजर का पेयर चूज करें जिनका सम -7 आ जाए. तो आपके सामने क्वेश्चन का लेआउट इस टाइप का है. कुछ देखिए, ये आपका ब्लैंक स्पेस है, ये आपका ब्लैंक स्पेस है. आपको सम करना है, दो इंटीजर यहाँ फिल करने हैं और उन दोनों इंटीजर्स का एडिशन -7 आना चाहिए. इस नंबर लाइन में से कितने ही आप इंटीजर चूज कर सकते हैं, और कोई से भी दो चूज कर सकते हैं. तो मैं ये ले रहा हूं -1, तो यहाँ कितना लेना चाहिए? -6, बिकॉज सेम साइन शुड बी एडेड. And sign will not be changed. Sign change नहीं होना चाहिए. -1 और -6, -7 देंगे. ये addition है, sum हो रहा है, ये sum है. यहाँ sign change नहीं होगा. यहाँ plus minus minus ही हो जाएगा दोबारा से. आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं -1 and -6. यहाँ इस तरीके से -1 और -6 bracket की भी अब जरूरत नहीं है. -1 और -6 gives -7. ये पहला आंसर आया. आप दूसरा आंसर बना सकते हैं अपनी मर्जी से. देखिए, प्लस करना है आपको, करें प्लस. -7 आना चाहिए आंसर. मैं यहां ले रहा हूं -8. एक इंटीजर मैंने नेगेटिव ले लिया, तो दूसरा क्या लेंगे? क्योंकि 7 करना है माइनस का, और इसका इफेक्ट ज्यादा है तो कम करना है इफेक्ट, तो पॉजिटिव 1 ले लीजिए. यहां तो यहां से आप ब्रैकेट से बाहर ओपन होके बाहर निकलेगी नंबर्स. -8 + 1, -8 + 1 गिव्स -7. ये दूसरा आंसर है. ये फर्स्ट आंसर, ये दूसरा आंसर. आप कई आंसर बना सकते हैं ऐसे. देखिए और देखें, यहां देखो ब्रैकेट, आपको एडिशन करना है, सम करना है ना, सम. देखिए -7. अब यहां पर भी आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स में नंबर, ऐसा नंबर फिल करना है जिनका सम -7 आ जाए. तो -7 करने के लिए आप -2, कोई बच्चा भर देता है -2, तो यहाँ कितना भरना पड़ेगा? -5. -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 गिव्स -7. एंड यू कैन मेक मेनी मेनी मोर answers like this. ठीक है, तो -7 के लिए आपको इन्हीं पर ही डिपेंड नहीं रहना है. आप बहुत सारे अपनी मर्जी से पेयर्स बना सकते हैं जिनका एडिशन -7 आए, -8 आए, -9 आए. तो फॉर एग्जाम्पल आपको लर्न करने के लिए एग्जाम्पल लिए हुए होते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट, जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए. कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, डिफरेंस -8 आना चाहिए मान लेते हैं. हो सकता है ये क्वेश्चन हो सकता है नहीं हो, देखते हैं.
आपको ऐसे ही आपको पेयर बनाना है दो इंटीजर्स का और आपका आंसर आना चाहिए -8। तो डिफरेंस लेना है तो पिछली बार क्वेश्चन सम का था तो सम में बीच में मैंने यहां एडिशन का साइन लिया था, प्लस का साइन लिया था। अब डिफरेंस है तो यहां बीच में मेरे को माइनस साइन लेना पड़ेगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो -8 आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं यहां -9 ले लेता हूं, तो यहां कितना लेना पड़ेगा जिससे कि -8 आ जाए। तो -9 को और -8 तक करना है आपको, तो यहां -1। अब यहां -1 के पीछे क्या रीजन है आपको आगे स्टेप में समझ में आ जाएगा। देखो -9 और ये -, क्या हुआ +1। -9 + 1, -9 + 1 से क्या मिला हमें -8 मिल गया। देखिए आप ध्यान से, पिछली बार यहाँ प्लस था तो -, हो गया था, लेकिन यहाँ दोनों माइनस आ रहे हैं तो -, हो गया प्लस। दूसरा पेयर बनाते हैं इसी आंसर से, यही वाला क्वेश्चन है, -8 चाहिए, दो नंबर्स का आपको डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस ये डिफरेंस ये डिफरेंस, माइनस है बीच में, लेकिन आपको चाहिए आंसर -8। -8 कैसे मिलेगा, यहां मान लेते हैं -11, तो यहां कितना लेना चाहिए, क्योंकि माइनस अगर पॉजिटिव 3 ले लिया तो -11 और -3 -14 हो जाएंगे, सेम साइन आ जाएंगे। आपको क्या करना है, इसका इफेक्ट कम करना है, इसका इफेक्ट करने के लिए यहां एक नेगेटिव साइन मिले, यहां होना चाहिए, तभी इस माइनस और माइनस को प्लस कर पाएंगे। तो -11 + 3, तो -11 + 3 गिव्स -8। ऐसे और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं। इसके बाद और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे, तब तक बाय।